केदारनाथ का मंदिर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उनका के सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वरना तुमको जाना होगा। सीएम धामी के खिलाफ नाराजगी और विरोध प्रदर्शन करते ये पुरोहित समाज के लोग हैं, जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सीएम धामी ने 10 जुलाई को खुद दिल्ली जाकर इस मंदिर का शिलान्यास किया था, जिसको लेकर पुरोहित समाज सीएम से खासा नाराज है। उन्होंने सड़क पर उतरकर अपनी ये नाराजगी जाहिर की। इस दौरान दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का विरोध जताते हुए सीएम धामी के खिलाफ हल्ला बोला। रुद्रप्रयाग की सड़कों पर पुरोहित समाज का ऐसा ही विरोध देखने को मिला। पुरोहितों का कहना है कि 10 जुलाई को सीएम धामी ने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया था। इस दिन केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ था। शैला रानी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम धामी मंदिर का शिलान्यास करने के लिए दिल्ली पहुँच गए, जिससे पुरोहित समाज खासा नाराज है। पुरोहित समाज का कहना है कि केदारनाथ विधायक के अंतिम संस्कार से पहले केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। पुरोहितों ने आरोप लगाया है कि सीएम धामी क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो सही नहीं है। केदारनाथ की परंपराओं से झटका निकलना बंद करो, बंद करो। जहां एक और हमारी केदारनाथ विधानसभा और सेटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है, और धामी जी खुद में वहां मौजूद था, और धामी जी वहां आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं, और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो, उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे। विरोध प्रदर्शन में शामिल युवा सामाजिक कार्यकर्ता पवन राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी गढ़वाल क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा में पंजीकरण की अनिवार्यता करके हजारों तीर्थयात्रियों को कुमाऊं के धामों में भेजा गया। इससे केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के रोजगार को लेकर सरकार ने कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। जो रोजगार केदारनाथ धाम की वजह से है, उन्हें भी अब छीनने का प्रयास किया जा रहा है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेवजह कुमाऊं के मठ मंदिरों में भेजा जा रहा है, जिससे गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का रोजगार ठप हो गया है। हमें तो विश्वास ही नहीं आ रहा धामी जी इस प्रकार से कर रहे हैं। जो बाबा केदारनाथ का मंदिर है आप दिल्ली में बनाओगे, हमारे मतलब महाकाल को आप दिल्ली में ले जा रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बार केदारनाथ में जो भी यात्रा रही बिल्कुल ठप रही। आपने जो चारों धाम की यात्रा है उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे कैंची मंदिर भेज रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर धामी जी इसी प्रकार अगर गढ़वाल के साथ भेदभाव करते रहे तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब धामी जी बहुत गलत कर रहे हैं, इसका हम पूर्ण रूप से अभी विरोध करेंगे। पुरोहितों ने विरोध की आवाज बुलंद की तो कांग्रेस पार्टी भी विरोध पर उतर आई। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने पौड़ी के राहु मंदिर में मौन व्रत रखा, साथ ही सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। केदारनाथ की एक शिला को अपनी संपत्ति समझकर, जो कि उत्तराखंड के आम जनमानस की एक आध्यात्मिक संपत्ति है, जो कि उत्तराखंड के आम जनमानस की आध्यात्मिक आस्था जिसमें निहित है, उसे कल ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने का जो दुस्साहस सरकार ने किया है, भगवान इंद्रेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और इस प्रकार से हमारी आशाओं पर, हमारे उम्मीदों पर तुषारापात न करे। पुरोहित समाज ने सीएम धामी के खिलाफ मोर्चा खोला तो इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाने लगी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सीएम धामी के दिल्ली में केदारनाथ प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीएम धामी पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे, जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं।
उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ चार धाम विराजते हैं, और आप उसको डेंट पहुँचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाज़ियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर पुरोहित समाज पहले ही सीएम धामी से नाराज है। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने से पुरोहितों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। अपनी इसी नाराजगी को जताने के लिए पुरोहित समाज जब सड़कों पर उतरा तो सीएम धामी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। पुरोहितों ने सीएम पर भेदभाव तक का आरोप लगा दिया, जिससे कुमाऊं बनाम गढ़वाल की राजनीति एक बार फिर गर्माने लगी है। उत्तराखंड में शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने भी धामी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि सीएम धामी इस विवाद पर पुरोहितों का गुस्सा कैसे शांत करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।